वंदे गुरुपद्द्वंद्वं भक्तिसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंदसहोदितं श्रीनंदनंदन वंदे राधिका चरणोदयं गोपीजन समायुक्तं बिंदावनम वांशाकल्पतरुवश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेवै पियावै केशवश्च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्वत्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजय नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जयो मुदीरे संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरी पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुण धैयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदं शिव विरंचनतम शरण्यं भीतातिहं वनतपाल भवाद्विभूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं यत्पाद पल्लवनखचंदमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपोदूष्वदर्श पूर्णानुराग रस सागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सियाद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आजानुलंबित भुजौ कनकावदातु संकेतनयकितरौ कमलायताक्ष विशांबरौ द्विजभरौ जुगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणाम्बुतारौ हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वंदितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासिनित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपती भजविशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्जश्वज वक्षसे यस्यास्ति हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
तावत् भयं द्रविण देहसुहित निमित्तं शोको स्पृहा परिभवो विपुलोश्चलोवः तावद् ममो इति असद् अवग्रहो आर्तिमूलं यावन्नोति अंघ्रिमभयं प्रवृणीतो लोकः तावद् भयं द्रविण देहसुहित निमित्तं शोको स्पृहा परिभव विपुलोश्चलोवः तावद् ममो इति असद् अवग्रहो आर्तिमूलं यावन्नोति अंघ्रिमभयं प्रवृणीतो लोकः गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए बद्ध जीव अपना दोष दर्शन नहीं कर सकते। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए बद्ध जीव अपना दोष दर्शन नहीं कर सकते। बद्ध जीवों का ये स्वभाव है दूसरों का दोष दर्शन करना, यही उसका स्वभाव है। अपना दोष दर्शन करना इनके लिए संभव नहीं है। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी ने बताए जो वैष्णवों का दोष गुण का विचार जो है, कोई अगर बद्ध जीव गुरु वैष्णव का दोष गुणों का विचार करने जाए, इसके लिए तो सत्यानाश। बद्ध जीव का स्वभाव ही है और दूसरे का दोष दर्शन करना, गुरु वैष्णव का दोष दर्शन करने के लिए वो लोग दौड़ता है। ये लोग जानता नहीं जे गुरु वैष्णव का दोष दर्शन करना संभव नहीं, अगर करे तो उसका सत्यानाश। गुरु वैष्णव अगर किसी का दोष दर्शन करे तो इसमें कोई हिंसा नहीं है। ध्यान से विचार को समझना। बद्ध जीव का स्वभाव है गुरु वैष्णव का दोष दर्शन करना, बद्ध जीव का स्वभाव है दूसरों का दोष दर्शन करना, क्योंकि बद्ध जीव अपना दोष नहीं दर्शन कर सकते, संभव नहीं। लेकिन गुरु वैष्णव जब किसी को टोकते हैं, डांटते हैं, प्रभुपाद कहते हैं गुरु वैष्णव अगर किसी का चर्चा करे, क्यों ऐसा कर रहे हो, वो उन्होंने ऐसा किया उचित नहीं है, इसका अंदर में कोई हिंसा नहीं है, इसका अंदर में प्रीति है, प्रेम है। बद्ध जीवों को बचाने के लिए गुरु वैष्णव दूसरों का दोष दर्शन करा के उसको बचाने का कोशिश कर रहे, इसमें गुरु वैष्णव का हिंसा नहीं है, विद्वेष नहीं है, ये प्रीति है। बद्ध जीवों का उपहार इसका करुणा है, इसका दोष दर्शन करा के इसको बचा के भगवत चरण में पहुंचा देना इसका मकसद है। किसी बद्ध जीवों का हाथ में गुरु वैष्णव का विचार छोड़ा नहीं जा सकता। किसी बद्ध जीव का हाथ में गुरु वैष्णव का चर्चा, गुरु वैष्णव का विचार छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि बद्ध जीव का स्वभाव है यदि अगर गुरु वैष्णव का आचरण अपना लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, तो उसको अप्रूव करे। अगर गुरु वैष्णव का आचरण शासन अपना खिलाफ मानता है तो उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको हटा देते हैं, ये वैष्णव नहीं है, ऐसा बोलते हैं। प्रभुपाद कहते हैं जब पक्का गुरु वैष्णव का विचार कैसा है, जो वो पक्का वैष्णव जो है विष्णु भक्त है, गुरु भक्त है, ये अपना गुरु को या तो अपना शिष्यों को अपना भोग का सामान नहीं समझते। किसी पक्का वैष्णव जो है, वैष्णव या विष्णु भक्त, कृष्ण भक्तों, ये अपना गुरु को
या तो अपना शिष्यों को किसी को अपना भोग का समान नहीं समझते। जैसे हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु ने सोच लिया जो 14 भुवन जो है अपना काबू में रखेंगे, अपना बात सुने, 14 भुवन मेरा भोग का समान है, ये 14 भुवन में जितना भी चीज़ है जो भी है वो सारे मेरा आदेश पर चलने वाला है, सब मैं चलना ही है। 14 भुवन में जो कुछ चीज़ दिखाई पड़ता है सब मेरा भोग का समान है, ऐसा समझ के रखता है। यहाँ तक कि शुद्ध भक्त प्रह्लाद महाराज, को भी अपना भोग का समान, समझ के बैठा। वो जानते नहीं, हो सके कि 5 साल का लड़का है, हो सके कि प्रह्लाद महाराज 5 साल का लड़का है, लेकिन वो गुरु है, ये तमाम जगत का गुरु है, लेकिन इसको मालूम नहीं। हिरण्यकशिपु असुर स्वभाव वाले हैं, इसी का ही चर्चा हो रहा है गीता 16वां अध्याय में। हिरण्यकशिपु विचार करके ये विचार कर लिया कि ये प्रह्लाद महाराज ये मेरा लड़का है, मेरा भोग का समान है, मैं जो चाहूँ वो करे। लेकिन वो जानते नहीं प्रह्लाद महाराज भगवत भक्त हैं, भगवत भक्त तो किसी का गुलाम नहीं है, ये तो भगवान का गुलाम है। किसी विशुद्ध भक्तों, शुद्ध भक्तों कभी गुरु को अपना शिष्यों को अपना भोग का समान नहीं। यहाँ तक कि दुनिया में कोई भी चीज़ सामने है, कोई भी चीज़, सब कुछ भगवान का सेवा का समान ऐसा समझते हैं। और गुरु वैष्णव जो है, शुद्ध गुरु वैष्णव हर वक्त गुरुवानुगत्व में कृष्ण सेवा में व्यस्त रहते हैं। आज दूसरा कोई भी वस्तु सामने नज़र में आए तो ये कृष्ण का सेवा में लगे, किसी व्यक्ति कृष्ण का सेवा में लगे, ऐसा विचार में उसका सुख पैदा होता है हृदय में, किसी को अपना सेवा में नहीं लगाते। और हिंसा बोल के कोई चीज़ गुरु वैष्णव का अंदर नहीं रह सकता। बद्ध जीव ऐसा सोचता है कि इतना कड़ा प्रवचन बोलते हैं, ऐसा शासन करते हैं, तो शायद ये वैष्णव नहीं है, इसका अंदर में क्रोध है, काम है, इसीलिए ऐसा बताते हैं। लेकिन ये भागवत का सिद्धांत तो जानते नहीं है। भागवत में सिद्धांत तो आता है, एते नहि अद्भुता व्याधौ तवा हिंसा दयो गुणः हरि भक्तो प्रवृत्ता जे न तेसु परतापिनः। ये स्कंद पुराण का वचन है, ये महाप्रभु जी ने सनातन गोसाई को निष्ठुर वैध का जीवन चरित्र बताया और नारद जी का संग का प्रभाव से नारद जी से हरिनाम प्राप्त होके परम वैष्णव हो गया। और परम वैष्णव होने के बाद ये एक चेंटी को भी मारना नहीं चाहता, इसका इच्छा नहीं। जब नारद जी महाराज पर्वत मुनि उसको दर्शन देने के लिए पहुंच रहे थे अपना भजन कुटीर इलाहाबाद में, भजन कुटीर में गंगा के किनारे, तो इस शिष्य दूर से गुरु को देखे और छलांग लगा के अपना भजन कुटीर से कूद पड़े नीचे और कपड़ा से जमीन को झाड़ा पोछा, अपना कपड़ा से बहिर्वास से अपना जमीन को पूरा झाड़ा पोछा लगाया, उसका बाद दंडवत किया। क्यों? अगर दंडवत करने जाए कोई चेटी अगर मर गया तो ये मरना नहीं चाहता, इसलिए शास्त्रों का ये विचार है, ये एते न ही अद्भुता व्याधौ तवा अहिंसा दयो गुणः हरि भक्तौ प्रवृत्ता जे न तेसु परतापिनः। जो व्यक्ति हरि भजन में लगे हुए हैं वो दूसरे किसी को, एक चेटी को भी कष्ट नहीं पहुँचना चाहते हैं, कष्ट नहीं देना चाहते,
ये नियम नहीं है। शुद्ध वैष्णव जो पक्का वैष्णव गुरुनिष्ठ शिष्य है, सेवा छोड़कर अपना इंद्रिय तर्पण, अपना शरीर और मन का सुख सुविधा के लिए कभी चिंतन नहीं करते। गुरुनिष्ठ शिष्य एकमात्र गुरु सेवा में लगे रहते हैं, कभी भी अपना इंद्रियो तर्पण, अपना सेंस ऑर्गन को अपना इंद्रियो तर्पण में लगे नहीं रहते, कभी इसका वांछा नहीं, तृप्ति। और प्राकृत जगत में जो भी आदमी है ठीक जस्ट विपरीत है, उल्टा इसका गुरु भक्त नहीं है। जिसका विपरीत आचरण है, मेरा कहने का मतलब है मठ मंदिर में रहना, बाहरी दृष्टि में ब्रह्मचर्य पालन करना, बाहरी दृष्टि में संन्यास पालन करना, ये बड़ा बात नहीं है, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन असली हृदय से गुरु वैष्णव का अनुगत करना, भगवान का सेवा में अपना जीवन जिंदगी को निछावर कर देना, ये संभव नहीं है, कपट भाव। मैंने यहाँ तक की चर्चा की जो मठ मंदिर में जो विग्रह है, जो सिद्ध महात्मा गुरुजी है, गुरुजी को और मंदिर का विग्रह को अपना भोग का समान समझ के बैठा। मंदिर का जो विग्रह है राधा गोविंद गौर हरि और गुरुजी है, वैष्णव लोग है, इन गुरु वैष्णव और भगवान को अपना भोग का समान समझ के बैठा। क्यों? अगर महाराज विग्रह नहीं होता, गुरु वैष्णव नहीं होता, कोई तो प्रणाम ही नहीं देते। गुरु वैष्णव का जो प्रभाव है, इसीलिए सब कोई आगे प्रणाम ही देते हैं, अच्छा अच्छा चीज़ देते हैं, और उस चीज़ को हम भोग का समान समझ के उसको यूज़ करते, व्यवहार करते, इसी में ज़्यादा सत्यानाश पहुँचता है। ये सबसे बड़ा सत्यानाश का रास्ता है। गुरु वैष्णव और भगवान मंदिर का ये मेरा सेवा का समान नहीं है। और बद्ध जीव समझे कि ये मंदिर का जो विग्रह है ये गुरु वैष्णव है, ये मेरा भोग का समान, यानी गुरु वैष्णव और भगवान को देखकर सारे प्रणामी फल फूल अनाज आदि सब दे जाते हैं, उसको हम एंजॉय करेंगे और भजन नहीं करेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने बताए गुरु सेवा प्रवृत्त शिष्य जो गुरु सेवा में लगे हुए हैं, शिष्य गुरु सेवा के लिए अपना जीवन जिंदगी निछावर कर देते हैं, कभी भी अपना पर्सनल अर्थात अपना जीवन जिंदगी का आयस आराम ये सब बारे में सोचते नहीं हैं। व्यक्तिगत तो है अपना आनंद लीला निर्जन भजन में रहना, ये आफत है। गुरु सेवा करने जाए गया तो इतना मुसीबतें पहुँचे, तो इससे अच्छा तो निर्जन भजन है। बद्ध जीव का लिए निर्जन भजन अनुमोदित नहीं है, अप्रूव नहीं है। बद्ध जीव कभी निर्जन भजन नहीं कर सकते। क्यों? बद्ध अवस्था में बद्ध मन है, शरीर है, अपना शरीर और मन को लेके ही निर्जन भजन में जाएंगे, और मन का अंदर में जितना सारे विषय है सब तो विषय तो है ही है मन का अंदर में, तो निर्जन स्थान में जाके भी निर्जन स्थान में बाहरी दृष्टि में दिखाने के लिए तैगी बाबा, धुनी बाबा, नंगा बाबा, फलाहारी बाबा, दूध पीता बाबा, जटाधारी बाबा, चिमटा बाबा, ये सब दिखाने के लिए लोगों का सामने प्रतिष्ठा लेने के लिए साधु साई प्रकट करते हैं। लेकिन साधु इसको नहीं बोला जाता, साधु अंतर का भाव है। हमारा गोवर्धन में एक गृहस्थ रहते थे, गया प्रसाद जी महाराज, ये गृहस्थ थे, इतना बड़ा संत थे, साधु थे निम्बर्क समुदाय का, ये पूछो तो मुश्किल है बोलना। कोई अगर हरि कथा कीर्तन किए, भागवत कथा, जितना भी प्रणामी इकट्ठा होते थे, प्रणामी बहुत सारे प्रणामी, सारे प्रणामी को लेकर जब तक पैसा खत्म ना हो जाता, भंडारा करके 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 बस एक पैसा भी
नहीं लेके घर में लौट जाते। तो चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो ये फर्क नहीं पड़ता, फर्क है हरि भजन में कितना तुम प्यार करते हो भगवान को। दिखाने के लिए महात्यागी जी महाराज की जय हो। महात्यागी जी महाराज, महाराज क्या तय किया आपने? आपने जो लिखा महात्यागी जी महाराज का आश्रम है, क्या तय किया आपने? अपना शरीर भी अपना नहीं है, ये जो पांच भौतिक शरीर है ये भी आपका नहीं है, और जो मन को लगा के विचार बना रहे हो ये मन भी आपका नहीं है, है? मन अपना नहीं है? नहीं, मन भी अपना नहीं है। ये बुद्धि, ये जो बुद्धि लगा के आप विचार कर रहे हो ये बुद्धि भी आपका नहीं है, तो आपका क्या है? जो मन को बाजी लगाकर, जो मन को बाजी लगाकर चैलेंज करके आप कुछ करते हो ये मन भी आपका नहीं है, इसका बारे में जरा सा भी ध्यान नहीं है। गीता का देखो, प्रवचन देखो गीता का, भगवान श्री कृष्ण का, भूमि राप अनलो वायु खंग मन बुद्धि रेवच अहंकार इतियम्य प्रकृति रष्टता। ये प्रकृति का है, जड़बद्ध जीवों का जो मन है ये प्रकृति का है, जड़बद्ध जीवों का जो शरीर है ये प्रकृति का है, तुम्हारा नहीं है। और ये जो बुद्धि है ये भी प्रकृति का है, मन बुद्धि चित्त सारे ये प्रकृति का है। अपना बोल के कुछ नहीं बचा, अपना बोल के क्या है? कुछ नहीं है। तो किस चीज को तय, किस चीज को आप तय कर सकते हो? अपना शरीर भी अपना नहीं है। दिन में दोपहर को 12 बजे बीमारी हुआ, शाम को 6 बजे ठीक हो गया, फिर रात को 8 बजे कुछ बीमारी हो गया, कुछ हालचाल कुल गड़बड़ हो गया, ऐसा करके देखा जाए अपना शरीर, जिसको मेरा शरीर बोल के अहंकार कर रहा हूं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। अगर मेरा शरीर है तो मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है? अगर मेरा ही शरीर है तो मेरा बात क्यों नहीं मान रहा है? क्यों उल्टा सीधा कर रहा है? अभी काम जागृत हो गया, क्यों उल्टा सीधा कर दिया? साधु वेश लेकर का लड़की का साथ कुछ कर दिया और पिटाई हुई, ऐसा करके चल रहा है। पता नहीं चलता है जो किसको भजन ये लोग मानता है, भजन किसको मानता है? या जटा को सर पे जटा रख लिया उसको भजन माना जाए? किसको भजन माना है? भजन मतलब भगवान का सेवा में क्या क्या दे दिया। भगवान का सेवा में अगर सब कुछ दे दिया, तन मन धन तो दे दिया, तो अपना पास कुछ बचा नहीं, तो ठीक है भगवान का सेवा में दे दो और भगवान अपने को तुम्हारा हवा तुम्हारा हथेली में दे देंगे। भगवान बोलेंगे मैं तेरे को दे दिया, मैं अपने को दे दिया तेरा हाथ में, यही तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है और तो कुछ नहीं। कजी कोई गृहस्थ हो कि त्यागी हो, संत महात्मा कौन है कैसा है इसका विचार बनाना जरूरी है, नहीं तो उल्टा हो जाएगा। जो पक्का गुरु सेवक है, मतलब हरि सेवक, गुरु सेवक मतलब सदगुरु का सेवक, सदगुरु का सेवक माना जाए किसको? जो सदगुरु का लिए अपना जीवन जिंदगी सब कुछ दे दिए, चाहे जितना भी मुसीबत आन पड़े, तुम्हार सेवाए दुख है यत सेवत परम सुख। ठाकुर जी है गुरु जी, आपका सेवा में जितना भी कष्ट आए वो भी मेरे लिए आनंद है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी महाराज अपना गुरु सेवा के लिए पहुँचे और गुरु सेवा किए, इतना कष्ट उठाए तो मत पूछो। संदीपनी मुनि बड़ा इतना प्रसन्न हो गया, बेटा इतना कष्ट उठाया, अपना जिंदगी को एकदम बाजी लगा दिया गुरु सेवा के लिए, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। ऐसा करके गुरु सेवा ऐसे होता है, गुरु सेवा कोई खेलकूद नहीं है। तो गुरु सेवा के द्वारा मेरा निर्जन भजन और भजन का दिखावा हमको जरूरत नहीं है। अगर गुरु जी प्रसन्न हो जाए, सदगुरु प्रसन्न हो जाए, तो मेरा लिए कुछ नहीं
अधूरा रह जाएगा, सारे मिल जाएगा, यहाँ तक कि भगवान में मिल जाएगा। गुरु सेवा में अगर अपना जीवन जिंदगी को दे दिया, इसमें भगवान मिल जाएगा। ये सुदामा विप्रो का साध जो चर्चा है कार्तिक महीना में होने वाला है, उस टाइम में दिखा में उस टाइम में नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसो उपसमेन वा, ये जो श्लोक है भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसो उपसमेन, गुरु है ना, इतना प्रसन्न हो जाते हैं हम गुरु शुश्रूषया यथा, नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसो उपसमेन वा तुसेयम, नाहम इज्जा प्रजातिभ्याम तपसो उपसमेन वा तुसेयम सर्वभूतात्मा गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु शुश्रूषया यथा, गुरु सेवा के द्वारा मैं जो अंतरात्मा में बैठा हुआ परमात्मा का रूप में, मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूँ, इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि मत पूछो। गुरु सेवा के द्वारा इतना तपस्या कर लो, अर्चन कर लो, गृहस्थी आश्रम में अपना जिंदगी को गवाओ, कुछ भी करो, प्रजातिभ्याम तपस्यो तपस्या उपशम व्रतो उपवास कुछ भी कर लो, लेकिन गुरु सेवा के द्वारा भगवान खुद कह रहे हैं, भगवान खुद सुदामा विप्रो को कह रहे हैं, मैं गुरु सेवा के जरा इतना प्रसन्न होता हूँ, इतना प्रसन्न हो जाता हूँ कि मत पूछो। अब विश्वनाथ चक्रदेव कहते हैं गुरु सेवा के द्वारा तमाम सर्व सिद्धि हो जाता है। विश्वनाथ चक्रदेव कह रहे हैं ये गुरु सेवा के द्वारा सर्व सिद्धि हो जाता है। सर्व सिद्धि मतलब कृष्ण प्रेम जो सुदुर्लभ है, ब्रह्मा शंकर आदि देवताओं के लिए जो सुदुर्लभ है वो भी अनायास मिल जाए। बस पोपा जी एक कहानी बता के हमको समझाने का कोशिश करते हैं। पोपा जी अक्सर ऐसा कहानी छोटा छोटा बताते थे और इसका माध्यम हमारा चेतना का जागरण हो जाए, चेतना का जागरण हो जाए, इसलिए प्रयास प्रचेष्टा करते थे प्रभा जी कहते हैं विधानपुर बोल के एक गांव है, वहाँ एक जमींदार है, बड़ा जमींदार है, जमींदार अच्छा है, खराब नहीं है। उसका एक लड़का था लौता बेटा, और बड़ा बदमाश है वो, तरह तरह का नशा करते थे, फुट्टूस या तो चरस भांग गाजा ये सब खाते थे, दारू छुपके से, और पुत्रों का इतना सारे दुर्गुण है। ये लड़का एक लौता बेटा है, इसके लिए क्या कुछ नहीं किया जमींदार जी ने, लिखा पढ़ा करने के लिए व्यवस्था सब कुछ, लेकिन इसको किसी में मन नहीं है। ये बचपन से ही इतना दुर्गुण है इसका अंदर में कि मत पूछो। वो तंबाकू सेवन करते बच्चा, और क्या करे, जहां जहां से अच्छा अच्छा तंबाकू पान करते थे, और ऐसा करते करते इसका टीबी बीमारी हो गया, जक्षा हो गया, खून निकाले अपना छाती से। जमींदार जी ने बड़ा अफसोस किया, अरे ऐसे कैसे हो गया, मेरा लड़का है, इतना खाता पीता है, और इसका ऐसे कैसे हो गया। और अड़ोस पड़ोस में गांव वाले को पता चल गया कि मेरा लड़का का बीमारी हुआ, वो भी ऐसा तैसा बीमारी नहीं है, सिर्फ टीबी बीमारी हुआ, तो हमारा लड़का का फ्यूचर में शादी भी होना मुश्किल हो जाए, और लोग तो हंसी उड़ाएंगे। तो चुपके से एक बड़ा फेमस एक डॉक्टर को बुलाए, डॉक्टर आयुर्वेदिक डॉक्टर को बुलाए। डॉक्टर आए, चुपके से डॉक्टर का सारे अपना इरादा बता दिया, ऐसा ऐसा करना है, जो पैसा लगे उसका लिए कुछ फिक्र उसका इसका लिए फिक्र मत करो, लेकिन चुपके से बीमारी को हटाओ। डॉक्टर बोला ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का को बुलाओ, मैं एकांत में लड़का का साथ बात करना चाहूँ। बोले ठीक है, कर लो आप। लड़का को बुलाए, लड़का को एकांत घर में बैठ के, बेटा तुम्हारा सारा दिन का जो चर्चा दिनचर्या
क्या करते हो सुबह से लेकर? बोले महाराज ऐसा ऐसा करते और तंबाकू तंबाकू का गंध आ रहा है। बोले आप तंबाकू पीते हो? बोला हाँ तंबाकू पीता हूँ, मेरा अभ्यास बन गया। तो डॉक्टर ने बोला, चिकित्सक ने बताए, जो आज से आइंदा तंबाकू मत खाओ। बोले नहीं हम तो, बोले आपका चिकित्सा चलेगा ना, आपका बीमारी हुआ तो ये बीमारी हम हटा नहीं सकेंगे जब तक आप ये जो आपका जो तंबाकू का नशा है इसको बंद करना है, नहीं तो आप तो बीमारी है ना। आपको दूध खाना है, चीज़ पनीर खाना है, घी खाना है, अच्छा अच्छा खाना है, दूध खाना है, ये सब खाना है और अच्छा अच्छा खाना, और ये सब तो नहीं चलेगी। बालक क्या किया, डॉक्टर ने रह गया कुछ दिन के लिए ट्रीटमेंट के लिए, और बालक ने क्या किया, डॉक्टर का कहने से खूब दूध पिया करते थे, दूध पिया और घी माखन सब कुछ। लेकिन एक दिन एकांत में डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर जी आप इजाज़त दे दो, मैं तंबाकू के बिना जी नहीं सकता, तो आपका कहने का मुताबिक हम दूध और मक्खन जो कुछ भी है आप जो कहो तो वो तो हम खाएंगे, लेकिन हमको तंबाकू खाने का इजाज़त दे दो। डॉक्टर बोले ये कैसे, आप आपको बताया ऐसे नहीं चलेगी, नो हमको बिना तंबाकू जी नहीं सकता, हम क्या करें। ऐसा करके पोपा जी ने बताए, जो सब सहजिया है, जो भजन को तमाशा समझ के बैठा है, ऐसा पागल आदमी का सामने पोपा जी ये कहानी कह के बोल रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि हम हरि भजन भी करेंगे और कामिनी कांचन अपना आयस आराम मजा भी कर लेंगे, ये लोग पागल हैं। ये लोग जानते नहीं कि हरि भजन का साथ एक साथ अपना जो कामिनी कंचन जितना मजा आए आराम एक साथ चलता नहीं, संभव नहीं। या तो हरि भजन करो या तो आए आराम करो, कामिनी कंचन को लूटो, दुनिया में जितना सारे लूटने का चीजें आनंद लेने खूब ले लो, कौन माना किया जाओ, अपना खुशी का अनुसार अपना जीवन जिंदगी को बर्बाद करो, कौन माना किया, करो खूब, लेकिन हरि भजन का नाम पे धोखाबाजी मत करो। हरि भजन का नाम लेकर धोखाबाजी मत करो। हरि भजन मतलब हरि का सेवा करना, हरि भजन का मतलब समझो, हरि भजन अपना मनमानी नहीं होते, हरि भजन मतलब ठाकुर जी का जो प्रसन्नता है, ठाकुर जी का प्रसन्नता का अनुसंधान करना, कैसे हमारा ठाकुर जी रिझ जाए, प्रसन्न हो जाए, इसका ख्याल रखना, इसको ध्यान देना, इसका नाम है भजन। और अपना मनमानी चलना, खूब कथा बोल दिया, खूब म्यूजिक चला दिया, हारमोनियम चला दिया, ऑर्केस्ट्रा चला दिया, हमारा लोगों को रिझा दिया, ये तो बेशाबित्ती है, ये भजन नहीं। ठाकुर जी ऐसा कथा में प्रसन्न नहीं होते कभी। आम आदमी को पता नहीं, वो लोग बोका का माँ भी जहर पी रहे, हरि कथा का नाम पे जहर पी रहे, वो लोग मरने जा रहे, क्या करें। तो हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि उत्सव, हरि सेवा, ये अपना इंद्रिय तर्पण, इंद्रियों का उत्सव का विषय नहीं है। जो हम भंडारा खोल दिया, अपना इंद्रियों को तृप्त, लूची पूरी खाए, कामिनी कंचन को भोगे, ये हरि भजन नहीं, ये हरि कथा भी नहीं। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में एक कहावत है, लिखा हुआ है, बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। ये चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु का जो चर्चा है, सिद्धांत विचार है, ये श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा हुआ है। जब बहु जन्म, जन्म जन्म, तुम जैसा मजाक कर रहे हो भजन का नाम पे, हंसी मजाक कर रहे हो, ऐसा मापिक भजन करोड़ों जन्म कर लो, लेकिन इसमें भगवान नहीं मिलेगी, भगवान नहीं मिलने वाला, भगवान नहीं मिलेगी। तो हरि सेवा का नाम पे कुछ नाटकबाजी कर लो, ड्रामाबाजी कर लो, ये भजन नहीं है। भगवान का भजन किया, वृंदावन में बड़ा बड़ा संत महात्मा, ये लोग कभी धोखाबाजी नहीं किए,
कभी धोखाबाजी नहीं किए, अपना जीवन जिंदगी को दे दिए भगवान के लिए, तभी भगवान मिले। हमारा चाकलेश्वर में सिद्ध बाबा जी महाराज, फिर कम मन में बाबा जी महाराज, सिद्ध बाबा जी महाराज समान सूर्य कुंड में जहाँ मैंने पहले रहा करते थे, सूरज कुंड छोटा बनना, ये सब जगह में सिद्ध महात्मा लोग इतना सुंदर भजन किए, ठाकुर जी गोदी में आकर बैठ गया, ऐसा है। तो बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, जन्म जन्म श्रवण कीर्तन करे, फिर भी कभी कुछ नहीं होने वाला। क्यों? ये ड्रामाबाजी चल रहा है। कृष्ण चरण में जो कहे कि महाराज हम गांजा भी पियेंगे, भांग पियेंगे, गांजा पियेंगे और इसका साथ भगवान का भजन भी करेंगे, इसका लिए भजन का दरवाजा बंद है। यहां तक कि शंकर भगवान का नाम पे जो अनाचार अत्याचार चल रहा है, शंकर भगवान का नाम पे आदमी बोलते हैं, जो बदमाश है वो बोलते हैं बाबा शंकर बाबा भांग पीते हैं, शंकर बाबा भांग घोटते हैं। लेकिन भागवत जी महापुराण में लिखा है, खोल के देखो, निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणानम तु इदम भागवत। गंगा नदियों में गंगा, जमुना का साथ किसी का तुलना नहीं किया जाए, क्योंकि जमुना तो कृष्ण का पाठरानी। निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो यथा, भगवान श्री कृष्ण को बढ़ के कोई पर देवता नहीं होता, वही है। निम्न गानम यथा गंगा देवानम अच्युतो वैष्णवानम यथा शंभु, शंकर भगवान जैसा इतना बड़ा वैष्णव, भगवान का भक्त, शंकर भगवान जैसा इतना बड़ा भक्त वैष्णव होता ही नहीं। और पुराणों में सबसे ऊंचा स्थान है भागवत जी महापुराण। तो ये शंकर भगवान का नाम पे बताएगा भागवत जी महापुराण में इतना बड़ा वैष्णव है। तो वैष्णव कभी गांजा भांग खाते नहीं, उल्टा, क्योंकि ये नाटकबाजी है। शंकर भगवान को दिया गया तमगुण का अधिष्ठाती देवता, तमगुण का अधिष्ठाती देवता, तमगुण का देखभाली करने के लिए शंकर भगवान को सेवा दिया गया। इसीलिए इच्छा करके जैसे एक महान वैष्णव पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और क्या करें, और वैष्णव का कपड़ा जो है वो छोड़कर ड्यूटी का टाइम पे अपना वर्दी पहन के जाता है। अब कोई अगर ये वर्दी देख के बोल दे ये पुलिस है वैष्णव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। वैष्णव तो अंतरात्मा है। शंकर भगवान तमगुण का अधिष्ठाती देवता है, ब्रह्मा जी रजगुण का अधिष्ठाती देवता है, और विष्णु है शतगुण का अधिष्ठाती देवता है। ये फर्क समझने की कोशिश करो। जब भी भगवान श्री कृष्ण तमगुण का अधिष्ठाती देवता है, ये तो इसका ड्यूटी है, सेवा है, लेकिन असली बात तो ये है ये परम वैष्णव है। ये असुर लोगों को उल्टा रास्ता दिखा दी, ये तो हरि भजन नहीं करेगी, इसीलिए ये लोगों को दिखा दी चौड़स भांग ये सब खा, और वो आनंद से डूबे रहते हैं। वह शंकर बाबा भी ये सब खाता है, लेकिन खाता नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ये कहते थे, जो हरि भजन करने का इरादा पक्का किया, जिन्होंने अपना जिंदगी में हरि भजन करने का इरादा पक्का कर लिया, यूं समझो, जिन्होंने अपना जिंदगी में हरि भजन करने का इरादा पक्का कर लिया, उसका लिए हर हालत में असत्संग से दफा रहना उचित, ये शास्त्रों का वचन है। जो अपना जिंदगी में हरि भजन करने का इरादा पक्का कर लिया, उसका लिए असत्संग से दूरी रहना जरूरी है। हजारों प्रमाण है शास्त्र में, ये हर वक्त असत्संग से दूरी रहे, नहीं तो असत्संग भी करे सत्संग भी करे तो सत्संग का फल नहीं मिलने वाला। असत्संग का फल एक साथ कैसे हो सकता है? जैसे डॉक्टर ने बोला ये आपका टीबी हुआ है, जक्षा बीमारी, आपको टोबाकू खाना माना है, नहीं तो टोबाकू खाओगे तो ऐसे बीमारी नहीं हटेगी, तो
ऐसा नियम है। जो सत्संग करना चाहे तो उसका लिए उसका चरण में मेरा विनती है, वो सत्संग करे। और जो असत्संग करे वो सत्संग भी करे असत्संग भी करे, ऐसा नहीं चलता। हो सके कि पहले असत्संग कर अज्ञान में असत्संग हो गया होगा, लेकिन अब तो समझ गया, अब सत्संग साधुसंग साधुसंग करना शुरू कर दिया तो साधुसंग चलते रहे और ठाकुर जी का कृपा मिलते रहेगा। इसीलिए भागवत जी महापुराण में एक श्लोक है, ततो दुस्संग मुसृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान। श्रीमद भागवत जी महापुराण में एक श्लोक है, सुंदर श्लोक, ततो दुस्संग मुसृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति जो पक्का सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति है, ये दुस्संगों को छोड़कर सर्वदा सदा सर्वदा सत्संग के लिए दौड़ता है। ततो दुस्संग सृज, दुस्संग एकदम छोड़ के जिंदगी भर के लिए छोड़ के असत्संग छोड़ के दुस्संग या तो असत्संग छोड़ के, ततो दुस्संग सृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति केवल साधु संग करे। साधु संग क्यों करे? बजे संत एव अश्व छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी, संत एव अश्व छिन्दन्ति। क्योंकि सत्संग क्यों करे? वे सत्संग इसलिए करे कि ये सत्संग के द्वारा अपना हृदय का अंदर में जितना कमी है, जितना अनर्थ है, जितना पाप राशि है, जितना भोगने का भोग विलास करने का चाहत है, इसको काट के फेंक दे। क्या करे? बोले ततो दुस्संग मुसृज सत्सु सज्जित बुद्धिमान। क्यों? क्योंकि संत एव असो कशो, जो असत्संग किया इतना दिन तक, इसको सत्संग करने का मतलब ये है, संतो साधु संतो क्या करता है, संत एव असो छिन्दन्ति मनोव्यासंगिम माँ मनोव्यासंगम उक्ति भी, अंदर में जितना सारे व्यासन है, दुर्गुण है, उसको काट के फेंक दे। साधु संग का इतना महिमा है। उक्ति भी, क्योंकि उक्ति भी मतलब प्रवचनादि भी। साधु संग क्यों क्या करे? साधु संग मतलब साधु संग अपना प्रवचन के द्वारा, अपना कीर्तन के द्वारा दूसरों का हृदय में जो बंधन है, बंधन को काट के फेंक दे, उसके एकदम मंगल का रास्ता में परिचालित कर दे। संत एव अश्व छिन्दन्ति मनोव्यासंगम उक्ति भी, उक्ति भी मने प्रवचनादि भी, अपना कठोर प्रवचन के द्वारा, सिद्धांत विचार के द्वारा दूसरे का हृदय में जो बंधन है, ये बुद्धि इसको काट के फेंक दे, इसको भगवान का रास्ता में चलने के लिए रास्ता दिखा दे। ये साधु महात्मा का ये नियम है। और तमाम दुनिया सोचते हैं कि मैं बुद्धिमान हूँ, तमाम दुनिया के ये विचार है कि मेरे से बढ़कर बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज को 11 स्कंद में बता दी। ये उद्धव ने पूछा भगवान को जाने का पहले, ये जगत छोड़ के जाने का पहले उद्धव जी महाराज कृष्ण को पूछे, प्रभु बुद्धिमान कौन है, सच्चा बुद्धिमान कौन है? ठाकुर जी को पूछे, ठाकुर जी बोले बड़ा बढ़िया प्रश्न किए हैं। हर आदमी सोचते कि मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे से बढ़कर कोई बुद्धिमान नहीं है, सबको बूका बना दूँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने बताए श्रीमद भागवत जी महापुराण 11 स्कंद में, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, उद्धव बुद्धिमान कौन है जानते हो? पर कौन है? एषा बुद्धिमतां बुद्धि मनीषा च मनीषीनां जब सत्यम अनृत्य नेह मर्ते न अपनति अमृतम। हे उद्धव, वो तो बुद्धिमान है, पक्का बुद्धिमान, सच्चा बुद्धिमान तो वो है जो 2 दिन का जिंदगी प्राप्त करके कैसे अमृत प्राप्त किया जाए इसका विचार में लगे रहते। उद्धव वो पक्का बुद्धिमान है, सच्चा बुद्धिमान तो वो है जो ये 2 दिन का जिंदगी प्राप्त करके इस विचार में लगे रहते हैं कि कैसे कैसे हम अमृत को प्राप्त करेंगे। वो अमृत क्या है? ये कुंभ मेला में मिलने वाला अमृत नहीं है,
ये कुंभ मेला में मिलने वाला अमृत नहीं है जो भागा दौड़ी कर रहे हो नहाने के लिए है। ये कुंभ मेला में मिलने वाला अमृत नहीं है, ये दिव्य अमृत है, ये दिव्य अमृत है। ये स्वर्ग में भी नहीं है, स्वर्ग में इंद्र महाराज के पास अमृत है, ये अमृत हमारा काम का नहीं है, ये कोई हमारा काम का नहीं है। आपका काम में लग सकता, मेरा काम का नहीं है। इसलिए मैं जीवन जिंदगी में पूरे एक बार भी कुंभ मेला स्नान करने के लिए दौड़ा नहीं, क्योंकि हरि कथा सबसे बड़ा स्नान है। हरि कथा में स्नान करो, इससे बरकर और स्नान नहीं होते, कहाँ जाओगे? हरि कथा के द्वारा अंतरात्मा पवित्र हो जाए, अंतर और बाहर, मन बुद्धि सारे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बताए, उद्धव एषा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषीनम जस सत्यम अनृत्य नेह मर्तेन अपनति अमृतम। जो दो दिन का ये जिंदगी प्राप्त कर ये विचार हर वक्त ये विचार बनाते हैं कि कैसे महाराज ये जिंदगी छोड़कर बस अमृतमय जगत में प्रविष्ट हो, भगवान का सेवा में नित्य जगत में गोलोक वृंदावन में हम जा सके, ऐसा विचार जो बनाते ये तो पक्का बुद्धिमान है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया एषा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा च मनीषीनम यह सत्यम अनृत्य नेह मरते न अपनति अमृतम। और इधर श्रीमद भगवत जी गीता का जो चर्चा हुआ था काल तक, एक काल चर्चा में इधर दिखाया था जे प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुर विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसका बारे में चर्चा हो गया, इसका आचार आदर्श कुछ नहीं बचते हैं, शौचाचार नहीं रहता है असुर लोगों को। जो असुर लोग है, जो राक्षस लोग है, वो लोगों को धर्म में प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म में निवृत्ति नहीं है। जैसे दुर्योधन ने बताया था, दुर्योधन ने शरीर छोड़ने का पहले दुर्योधन ने शरीर छोड़ने का पहले बोल के गया जे मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन मेरा रुचि नहीं है। दुर्योधन कह रहे हैं कि मैं जानता हूं हे केशव, मैं जानता हूं कि धर्म क्या है लेकिन मेरा रुचि नहीं बनता। मैं ये भी जानता हूं ये अधर्म है लेकिन अपने को रोक नहीं सकता, ये अधर्म का रास्ता में ही चलने का इच्छा होता है, मैं क्या करूं। जनामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, तया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। भगवान का प्रेरणा तो अपना तुम आप जो जीवात्मा का जैसा कर्मफल है, कर्मफल तो उसको ड्राइविंग फोर्स, कर्मफल को बोला जाता है ड्राइविंग फोर्स। हमारा अगले जन्म में क्या करना है नहीं करना है, ये मेरा जो संस्कार है ये मेरे को गाइड करेगा, ड्राइव करेगा, संचालित करेगा। आई बात समझ में? सो सात नंबर श्लोक का चर्चा काल हो चुका। प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। क्या? प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जना न विदुरासुरः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असत्यम अप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमान्यत कामहितुकम। ये सब चर्चा काल हो चुका। आज नौ नंबर श्लोक का चर्चा करें। तेधार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन एताम दृष्टिम अवस्टभ्यो नश्चात्मनु अल्पबुद्धयो हो प्रभवन्ति उग्रो कर्माणः क्षयायो जगतो अहिता। ये भी चर्चा काल हो गया। एतम दृष्टिम अवस्टभ्य अर्थात ये आसुरिक दर्शन आसुरिक विचार, ऐसा विचार करो तो दर्शन तो सब कोई का है,
एक शेर का भी दर्शन है, कोई लड़की को देखे तो मेरा खाना मिल गया, दर्शन किसका नहीं, कुत्ता बिल्ली का भी दर्शन है ना, ये सुअर का भी दर्शन है, टट्टी पिसाती का बड़ा अच्छा बढ़िया चीज मिल गई। तो जिसका जैसा संस्कार है, जिसका जैसा संस्कार है, ये जिसका जिसका संस्कार है, ये संस्कार का मुताबिक इसका दर्शन बनता है। तो तमाम दुनिया का ऐसा भी आदमी नहीं है जिसका कोई दर्शन नहीं है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? जो व्यक्ति अंधा है, आंखें हैं तो दर्शन है, आंखें हैं तो दर्शन है, आंखें अगर नहीं है फिर भी पूर्व दर्शन के अनुसार वो अंदर में देखते रहते, विचार करते रहते, ये इसका दार्शनिक, या तो घटिया दर्शन है या बेहतर दर्शन है, ये तो है। सो एताम दृष्टिम अवश्चभ्यो, हे अर्जुन, ऐसा असुरो असुर राक्षस, ये लोगों का जो दार्शनिक विचार है, ये भाई किसका भी एक दर्शन है तो दार्शनिक। एताम दृष्टिम अवश्चभ्यो, ये जो राक्षस का असुर का विचार है, ये विचार के अनुसार नष्टात्मनो अल्पबुद्धयो, ऐसा मापी घटिया दर्शन और या तो विचार अवलंबन करके आत्मतत्व ज्ञान विहीन, इसका कोई आत्मतत्व का बारे में कोई ज्ञान ही नहीं, क्योंकि नष्टात्मनो अबुद्धयो, कोई विचार बुद्धि नहीं, कोई विचार बुद्धि नहीं, नष्टात्मनो मतलब एक गिरा हुआ इंसान है, नष्टात्मनो मन आत्मतत्व ज्ञानहीन, नष्टात्मनो जिसका आत्मतत्व ज्ञानहीन व्यक्ति। और ये क्या करते हैं, अपना एक घटिया दर्शन, एक कुत्ता बिल्ली का दर्शन, राक्षस का दर्शन, असुरों का दर्शन, ये अपना जिंदगी में विचार करते हैं। और इससे क्या कहते हैं, ये उग्र कर्मण भयंकर हिंसा, भयंकर हिंसा कर्म, राग विद्वेष क्रोध हिंसा कर्म परायण हो जाता है। आज जगत का अमंगल के लिए ये अहिता अहितकारी असुर सकल, जगत को विनाश करने के लिए जगत खयायो, माने जगत को ध्वंस करने के लिए अपना क्रियाक्रम, अपना प्लान प्रोग्राम बनाते रहते हैं, कैसे जगत को ध्वंस किया जाए, कि जगत अपना रूल्स एंड रेगुलेशन में ना चले, जगत अपना प्रकृति का नियम या तो गुरु वैष्णव का आदेश के अनुसार जिंदगी जीवन गुजारना ये उचित है, लेकिन असुर स्वभाव वाले जो है, असुर स्वभाव वाले राक्षस स्वभाव वाले जो है, ये उग्र कर्मण भयंकर कर्मों में लगे रहते हैं, जगत का हिंसा विद्वेष काम क्रोध इसी में अहिता अमंगल जनक क्रियाकर्म में लगे रहते हैं और जगत को ध्वंस करने के लिए व्यस्त रहते हैं। एताम दृष्टिम अवश्चभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयो प्रभवन्ति उग्र कर्माणः क्षयायो जगतो अहितः, जगत का अहित अमंगल के लिए असुर स्वभाव वाले कुछ भी कर डालते, कुछ भी करते, ये असुर स्वभाव वाले कुछ भी कर लेते हैं, क्या करें, वो तो माना सुनेगा नहीं किसी का, गुरु वैष्णव का विरुद्ध जाएगा, वो किसमें मंगल है किसमें अमंगल है सोचने वाला नहीं है, सोचना ही नहीं है, ऐसा ही है। असुर स्वभाव वाले अपना मन मनमानी, ये असुर स्वभाव वाले अपना मनमानी ये असुर स्वभाव वाले अपना मनमानी अपना जीवन जिंदगी को गुजारते हैं और लोगों को सत्यनाश करते हैं, तमाम दुनिया का सत्यनाश करते हैं। अर्थात देहादि विविक्तो आत्मतत्व ज्ञानहीन उग्र कर्मणा अर्थात हिंसा देख लेंगे कर लेंगे समझा देंगे सबक सिखा देंगे औकात समझा देंगे, ऐसा अगर कहें तो ये जो यूं समझो कि इसका अंदर में अहंकार, पहले ही भगवान बता दिया, पहले ही बता दिया, ये स्वभाव वाले का
ये स्वभाव वाले का कैसा कैसा चरित्र है भगवान पहले ही बता दिए, भगवान पहले ही बता दिए। दम्भो दर्पो अभिमानश्चो क्रोधो पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभियातस्यो पार्थोस संपदम आसुरी। आसुरी संपद क्या है इसका बारे में चार नंबर श्लोक में, मैं तो नौ नंबर पे पहुंच गया, चार नंबर श्लोकों में भगवान बताए दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधो पारुष्यमेव च ज्ञानम चाभियातस्यो पार्थो संपदम आसुरी। इसको आसुरी संपद माना जाए। आसुरी संपद के बारे में चर्चा हुआ, दम्भो रहेगा, दर्प अभिमान रहेगा, दम्भो रहेगा, दर्प रहेगा, अभिमान रहेगा, क्रोध रहेगा, पारुष रहेगा, अज्ञान, चाबी जातोष्य पार्थो संपद आसुरी। इसका आसुरी संपद माना गया। मैंने चर्चा कर दिया पहले। ये असुर स्वभाव वाले आदमी, इसका दिल में कई बेचैनी बने रहते हैं। ये असुर स्वभाव वाले जो हैं, ये असुर स्वभाव वाले आदमियों के अंदर में हर वक्त बेचैनी बने रहते हैं, क्योंकि शांति कहाँ से आएगी? शांति के रास्ते में जाओ तो शांति मिलेगी, शांति के रास्ते में ना जाए। इसीलिए कामम आश्रितो दुष्पूरम दम्भ मान मदान्यतः मोहाद गृहित्वा असद्ग्रहाणो प्रवृत्तन्ते असुचि व्रतः। क्या बताया? ऐसा किसी का असुरी व्यक्ति जो है, ऐसा प्रकृति जिसका है, ऐसा व्यक्तियों को दुष्पूरणियों जो काम कभी पूर्ति नहीं होने वाला, काम का कभी पूर्ति नहीं होने वाला, या समझ के रखना किसी के अंदर में काम है तो यूं समझ लेना काम का पूर्ति असंभव है। काम का पूर्ति असंभव है। काम कैसे पूर्ति हो? न या तो काम कामानाम उपभोगे न सम्मति, याद है ना? न जातु काम कामानाम उपभोगे न सम्मति। काम जो है जितना उपभोग करोगे, उपभोग के द्वारा आप अगर ऐसा सोचो कि बहुत बहुत एंजॉय कर लेंगे, आप अगर ऐसा सोचो कि बहुत आनंद ले लेंगे, काम भोग कर लेंगे, उसका बाद मेरा शांति आएगी, नहीं, कभी नहीं। इसलिए भागवत जी महापुराण में ऐसा लिखा हुआ है, भागवत जी महापुराण में लिखा हुआ है न च इंद्रस्य सुखम, इंद्र का भी सुख नहीं है। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न सुखम अस्ति विरक्त मुने एकांत जीवन, सुखम अस्ति विरक्त मुने एकांत जीवन। जो मुनि है मौनव्रत, भगवान का कथा छोड़कर कोई बोलने वाला नहीं, ऐसा मैं संतो महात्मा के हृदय में वास्तविक वास्तविक शांति विराजमान रहते हैं, बाकी हर आदमी के लिए नहीं है। क्योंकि काम ऐसा चीज है जैसे क्योंकि काम ऐसा चीज है जैसे आग जलते रहे आग में और आग में घृताहुति घी का आहुति दे दो तो कभी आंख नहीं बुझेगी। इसका उदाहरण ऐसा दिया गया जैसे जलता हुआ आंख का ऊपर घी डाल दो, घी डालने से क्या होगा? बल और बढ़ेगा आंख, वो थोड़ी वो बुझेगा, आंख थोड़ी बुझेगा, आंख बल्ब और ज्यादा जलते रहेगा। ऐसा ही भागवत जी महापुराण में सिद्धांत विचार है, याद है? भागवत जी महापुराण का विचार है न जातु काम कमानम उपभोगे न सम्मति। काम कभी काम के द्वारा उपभोग के द्वारा
और ज्यादा आनंद ले लेंगे, और मोज मार लेंगे, और मोज करेंगे, कभी भी काम बुझने वाला नहीं। नौ जा तो काम कमानम उपभोगे न सम्मति हविष्य कृष्णवत्मी वो है भूयो एवाभि वर्धते। जलता हुआ आग में घी का घृता होती दे दो और ज्यादा बढ़ते रहेगा। ऐसा ही है जीवन जिंदगी में, जितना काम को एंजॉय करो और बोलेगे और दो साल हम आनंद लेने कामिनी कंचन को भोग कर ले, उसका बाद हम त्यागी होके बंजेंगे, कभी नहीं होने वाला। ये कभी नहीं होने वाला। पुरुरोबा का जिंदगी भागवत में देखो। पुरुरोबा हैं जजाति, पुरुरोबा शौभरी ऋषि का जिंदगी देखो। पुरुरोबा का जिंदगी देखो। उर्वशी का साथ इतना आनंद लिया, इतना मोज मारा, आनंद लिया, फिर भी अंतिम में रोना शुरू कर दिया। उर्वशी तुम कहाँ चले गए, चाहे कहाँ चली गई उर्वशी। वो कभी भी ये सब जो काम है ये पूर्ति नहीं होने वाला। जजाति का देखो, जजाति भी सावधान हो गया, जजाति का भी पूर्ति नहीं भाई काम का। अब सौभरी मुनि का देखो, एक अपराध कर दिया गरुड़ भगवान के चरण में, जमुना जी में, और सांप दे दिया गरुड़ भगवान को, इससे अपराध हो गया। और सौभरी ऋषि का कामना वासना जागृत हुई। ये मछली का मैथुन देख के काम जागृत हो गए, और क्या करे बेचारा। अब आके मानदाता का 50 लड़कियों को राजकुमारी, 50 राजकुमारी को शादी की, फिर भी पूर्ति नहीं भाई हैं, फिर भी पूर्ति नहीं भाई। तो पूर्ति किसका है? पूर्ति स्वर्गराज इंद्र का भी नहीं है। यूं समझ लो कि स्वर्गराज इंद्र का भी नहीं है, क्योंकि भागवत जी का जो महिमा है महिमा में लिखा हुआ है, नौ च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः। इंद्र महाराज का सुख नहीं है, आनंद नहीं है, इंद्र महाराज परितृप्त नहीं है। और कोई राज चक्रवर्ती है उसको भी पूछो, वो भी पूर्ति नहीं भाई उसका कामना वासना का भी पूर्ति नहीं भाई। न च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः। चक्रवर्ती राज महाराज का भी कोई शांति नहीं। गौय महाराज, नहुष महाराज, किसका शांति दिखाओ? भागवत से कोई पुराण से दिखाओ किसका पूर्ति नहीं होने वाला। इसलिए ये दुष्पूर्णियो ये पूर्ति नहीं होने वाला। तो कामना वासना का पूर्ति ऐसे थोड़ी होगा, हरि भजन करने से कामना वासना का तृप्ति हो जाता, तमाम इंद्रियां जो है अपना बस में काबू में आ जाता। तो नौ च इंद्रस्य सुखम किंचिन्न सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने रेखांत जीवना। एकमात्र मुनि, साधु संतो महात्मा, गुरु वैष्णव का जिंदगी में शांति है, बाकी किसी का जिंदगी में शांति नहीं है, शांति नहीं होने वाला। प्रहलाद महाराज का शांति है, कामना वासना नहीं है। ध्रुव है, कामना वासना नहीं तो शांति है, कामना वासना है तो उसका पूर्ति संभव नहीं है, उसका शांति भी संभव नहीं है। ऐसा करके 9 श्लोक को व्याख्या किया काल, आज थोड़ा व्याख्या करके दिखाई थोड़ा बहुत। एताम दृष्टिम अवस्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयो प्रभवन्ति उग्र कर्माणः खयायो जगतो अहिता। जो असुर भाव वाले वो बस अपना मोज लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, खाओ पियो जियो, ये आनंद लेने के लिए दौड़ रहे हैं। और कभी भी ये विचार इन्हें बना लिया कि ये आनंद छोड़ के क्या है, ये जड़ जगत का आनंद जो है, आत्मज्ञान नहीं है, कुछ नहीं है, अल्पबुद्धि अल्प मेधा वाले, उग्र कर्मण अहिंसा विद्वेश ये सब करना शुरू कर, कभी दारू पिए, कोई
कोई खांसी का मांस पिए, मांस खाए, दारू पिए, खांसी का मांस खाए, ऐसा करके एताम दृष्टिम अवस्टभ्य नष्टात्मनो अल्पबुद्धयो हो प्रभवन्ति उग्र कर्मणः खयायो जगतो अहिता। जगत का क्षय करने के लिए लोग व्यस्त है, जुटे हुए हैं, समाम ये दुनिया जुटे हुए हैं, कैसे जगत का सत्यनाश किया जाए। 10 नंबर श्लोक में चर्चा करें, 10 नंबर श्लोक का चर्चा किया जाए तो इधर लिखा हुआ है कामम आश्रित्व दुष्पूरम दम्भो मानो मदान्विता मोहाद गृहित मोहाद गृहित्वा अशतो क्रुहानो पवर्तन्ते अशुचिव्रता। क्या लिखा है? ऐसा मापिक असुर भाव वाले जो व्यक्ति है, ऐसा मापिक जो असुर भाव वाले व्यक्ति हैं, ये इसका जो काम है ये कभी भी काम पूर्ति नहीं होने वाले। ये असुर स्वभाव वाले असुर प्रकृति का जो व्यक्ति है, जो जनाहा, ये लोगों को दुष्परिणीय काम कभी भी पूर्ति नहीं होने वाला, फिर भी वो चेष्टा कर रहे हैं हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, फलाना चाहिए, ऐसा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये असुर प्रकृति का जो आदमी है, ये अपना दुष्परिणीय कभी भी पूर्ति नहीं होने वाले ये काम को आश्रय करके और दम्भ मान मद युक्त होकर मोहवशतो असत विषय में असत विषय को असत विषय आग्रह अवलंबन पूर्वक मद्दो मांसादि ग्रहण करके कदाचार व्रतपरायण होके क्षुद्र देवता छोटा छोटा देवता लोग ये लोगों प्रसन्न करने में के लग जाते हैं। इनके आराधना ये लोग जानते नहीं कि भगवान सर्वोपरि है, भगवान सर्वोपरि, उसका ऊपर कोई नहीं है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, भगवान श्री कृष्ण स्वर के और कुछ है ही नहीं। अगर कोई देवता देवता का अर्चन करो तो छोटा मोटा आशा आकांक्षाओं को लेकर ये पूजा करते रहते। कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भो मान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा असत् क्रोहाणो प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। ये असुर भाव वाले, ये दुष्परिणियों कभी भी मिटने वाले नहीं है, ऐसा काम को आश्रय करके और दम्भो मान मद युक्त होकर मोहवशतो असत विषय को अवलंबन करके असत तमाम असत वस्तु को असत व्यक्ति को अवलंबन करके असत विषय में आग्रह अवलंबन करके मत्सो मांसादि मद्दो मांसादि ग्रहण पूर्वक कदाचार बोधपरायण होकर क्षुद्र देवता का पूजा करे। क्षुद्र देवता छोटा मोटा ये देवताओं का पूजा करे और सोचे कि मालामाल हो गया, अपना सोचना शुरू कर दे महाराज मालामाल हो गया, ठीक है मालामाल हो गया, करो कहाँ तक जियोगे। कामम आश्रित दुष्पूरम मंदो दम्भो मान मदान्विता। क्या लिखा है? कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भो मान मदान्विता मोहात् गृहीत्वायो असत्कृहानो प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। क्या लिखा है? कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा असत्कृहानो प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता।
असद असद विषय में प्रवृत्ति हो जाता है। और छोटा मोटा देवता लोगों को अर्चन करने में लग जाते हैं। और इसका विचार भगवान ने खोल के रख दिया। इसका विचार कैसा है? पहला विचार बताया, कामम अश्रित्तो दुष्पूरम दम्भो मानो मदान्विता मोहाद गृहीत्वा असत गृहाणो प्रवृत्तन्ते अशुचिव्रतः। ये अशुचिव्रतो शशान मसान में जाकर दारू पिए, मुर्दा का ऊपर बैठ के कोई तंत्र मंत्र साधन करे, ऐसा क्षुद्र देवता का, छोटा मोटा देवता का अर्चन करे करके अपना जिंदगी को स्वार्थक बनाना चाहे, छोटा मोटा देवता को अर्चन करके अपना कामना वासना को पूर्ति करने के लिए दौड़ रहा है, क्या करे? समझाने से भी समझेगा नहीं। कामम अश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहात गृहीत्वा असत गृहाणो प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। ऐसा चल रहा है। 10 नंबर श्लोक में ये बताया। 11 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, 11 नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं, चिंताम अपरिमयां च चिंताम अपरिमयां च प्रलयांताम उपाश्रितः कामो उपभोगो परमा एतावत इति निश्चितः। क्या बताया? चिंताम अपरिमयां च, अपरिसीम चिंता को अपना जिंदगी में स्थान दिया। चिंता कुछ नहीं है लेकिन चिंता बाहर से लाए, चिंता कुछ नहीं है लेकिन बाहर से चिंता लाए, क्या करोगे? चिंत्याम, ये चिंता तो माया है ना, माया हट जाए तो चिंता कुछ नहीं है। कीर्तन में है ना, सुंदर कीर्तन में है ना, आत्मो निवेदन तुवा पौधे कोरी होइनु परम सुखी दुखो दूरे गेलो चिंता ना रहिलो चौधरी के आनंदो हेरी। जब आत्मनिवेदन हो जाता है, जब आत्मसमर्पण, जब कोई जीवात्मा आत्मसमर्पित आत्मा हो जाता है, तब चिंता बोल के कुछ चीज है नहीं रह जाता, कोई चिंता बोल के कुछ शेष नहीं रह जाता। तो ये लोग का जो कामना वासना है कभी पूर्ति नहीं होने वाला, तो ये कामना वासना को लेके अनएंडिंग कभी खत्म नहीं होने वाला, आशा आकांक्षा को हृदय में जला रहा है, चल रहा है। चिंताम अपरिमयां च प्रलयांत्याम उपाश्रिता, प्रलय तक चले इस जन्म मरण का माला में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम, पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। अकल्प काल अवधि तमाम जीवात्मा सब महाविष्णु का अंदर में चले जाए। हैं जस्यैक निःशेषितो कालमथावलम्बो जीवन्ति लोम विरजा जगदण्डनाथा विष्णुर महान स यो यस्यो कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। हैं तमाम जीव जो है अनादि कर्म फले सब सूक्ष्म रूप में महाविष्णु का अंदर समा जाएगा। इसके बाद जब फिर सृष्टि का समय आएगी, सब सृष्टि के समय में फिर प्रकाशित हो जाए। ऐसा करके जन्म मरण का माला चलते रहेगा, रोकने वाला कोई नहीं है, कोई बाप नहीं है रुकेगा। एकमात्र कृष्ण भजन, एकमात्र शुद्ध गुरु वैष्णव, कोई जन्म मरण का माला रोक नहीं सकता। क्योंकि शास्त्र में विचार है,
मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशय। मुक्तिदाता वास्तव मुक्तिदाता, वास्तव मुक्तिदाता शंकर भगवान छोड़ के कोई नहीं है, वास्तव मुक्तिदाता। इसलिए शास्त्रों का विचार है मुक्तिदाता, मुक्तिदाता विष्णु रेव न संशय। मुक्तिदाता विष्णु छोड़ के और कोई नहीं है, एकमात्र विष्णु ही मुक्तिदाता। भगवान शंकर ब्रह्मा अगर मुक्ति दे इसका भी तू माने रखता है, आगे चलकर विचार मनाना है सब जो भी है। चिंताम अपरिमयान च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चिता। क्या करता है? चिंताम अपरिमयान अपुरंतो अन एंडिंग, चिंता में डूब जाते हैं। चिंताम अपरिमयान च प्रलयांतम उपाश्रिता, चिंता अपार चिंता को प्राप्त करते हैं, इसमें डूब जाते हैं। चिंताम अपरिमयान च प्रलयांतम उपाश्रिता, मरने तक प्रलय का समय तक आमृत्यु अपरिमेय चिंता के आश्रय पूर्वक कामेर उपभोग के कामे काम का उपभोग को चरम समझे ऐसा मापी आमृत्यु आमृत्यु अपरिमेय अचिंत आमृत्यु अपरिमेय चिंता को अपना जिंदगी में स्थान दिया, जबकि चिंता है ही नहीं। आमृत्यु आमृत्यु मृत्यु और फिर प्रलयांतम लिखा हुआ है। आमित्यु तो ठीक है, आमित्यु अपरिमेय चिंता को आश्रय पूर्वक काम को उपभोग करने के लिए ऐसा निश्चय कर लिया कि शतो शतो मेरा जिंदगी में बंधन आए आशा वसे वो काम क्रोध परायण से व्यक्ति, काम क्रोध परायण से व्यक्ति ऐसा मापी भक्तिगण काम भोग के लिए अन्याय रूप से ठीक नहीं है। जिस रास्ते पे पैसा कमा रहा है ये काला धंधा है, ऐसा काम क्रोध को आश्रय करके प्रलय समय तक ये व्यक्ति काम उपभोग काम को एंजॉय करने के लिए अन्याय रूप से पैसा को इकट्ठा करते हैं। क्या लिखा है? चिंताम अपरिमयान च प्रलयांतम उपाश्रिता उपो क्या लिखा है? चिंताम अपरिमयान च प्रलयांतम उपाश्रिता कामोपभोगो परमा कामोपभोगो परमा एतावत इति निश्चितः आशापाश सतैर्वध्या कामो क्रोधो परायणः इहंते काम भोगार्थो इहंते काम भोगार्थो अन्नायेन अन्नायेन अर्थ संचयन। अन्याय रूप से ये अर्थों को कलेक्ट करता है, संग्रह करता है। आमृत्यु अपरिमेय चिंता को आश्रय कर काम का उपभोग ये चरम ऐसा निश्चय होकर, काम ही सबसे बड़ा चीज है, काम का उपभोग जो है ये चरम है, इसका बात कुछ नहीं। ऐरोग निश्चय करके शतो शतो शौ शौ आशा पास में बंद हो गया, आशा पास में अपने को बंधन में डाल दिया। आमृत्यु क्या लिखा है? आमृत्यु अपरिमेय चिंता को आश्रय पूर्वक काम को उपभोग करना ही अपना जीवन का लक्ष्य टारगेट है। ऐरूप निश्चय करके सौ सौ आशा पासे बद्ध हो, सौ सौ आशा पास मेटेरियल बॉन्डेज में आबद्ध हो जीवात्मा, काम और क्रोध परायण व्यक्तिगण काम उपभोग काम का उपभोग करने के लिए एंजॉयमेंट करने के लिए काम का उपभोग करने के लिए काम को उपभोग करने के लिए इच्छा करके
अन्याय रूप से पैसा कमाता है। चिंताम अपरिम्यांच प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावद् इति निश्चितः आशापाश शतैर्वध्या कामक्रोधो परायणः यहन्ति काम भोगार्थो अन्नयेन अर्थ संचयन क्या है आशापाश शतैर्वध्या कामक्रोध परायणः यहन्ति काम भोगार्थो अन्नयेन अर्थ संचयन। आई बात समझ में? अपना भोग विलास के लिए आनंद में डूबे रहते हैं। और पोपा जी ने बताएं भगवान ऐसा कृपा करे, पोपा जी ने बताएं भगवान ऐसा कृपा करे कि जो लोग अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए पैसा का इकट्ठा कर रहे हैं, पोपा जी ने बताएं ये लोग का साथ ठाकुर जी का अगर आशीर्वाद हो, मेरा साथ दर्शन ना हो, मेरा साथ ये लोग का कोई दर्शन ना हो जाए, ऐसा करके भगवान चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा बताया। और ये असुर भाव वाले का भाव देखो कितना खुल्ला खुल्ला बताया, कोई मर्सीलेस, कोई निर्दय है एकदम, कोई दया बोल के कुछ नहीं है, अनुकंपा दया कुछ नहीं है, कोई सद्गुण नहीं है, शतगुणी आदमी का वासा रहता है। और 12 नंबर श्लोक में बता दिया आपका क्या श्लोक बताया, चिंताम अपरिमियां च बुद्धयांतम उपासिता कामोपभोग परमा एतावत विदितो एतावत इति निश्चयता, क्या क्या लिखा है, चिंताम अपरिमियां च प्रलयांतम उपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावत इति निश्चितः आशापाश शतैर्वाद्यः कामकोद परायणः इहन्ति कामो भोगार्थम अन्नयेन अर्थ संचय। तेरह नंबर श्लोक में लिखा हुआ है, इदम अद्दो मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम ओपि मे भविष्यति पुनर्धनम। ये असुर भाव वाले ये कहते हैं आज मेरा पास ये धन दौलत है, आज ये लाभ किया है, और कल ये धन दौलत को इकट्ठा करेंगे, हम मनोभीष्ट पूर्ति करेंगे, ऐसे पुनः पुनः श्लोक में तो क्या कहते हैं, इदम अद्दो मया लब्धम इदम प्राप्से मनोरथम, आज इतना तक लाभ किया, आज इतना तक कमाया, काल हमारा मनोवांछा पूर्ति हो, इदम अस्ति इदम ओपि जे भविष्यति पुनर्धनम, आज ये लाभ किया, ये मनोभिष्टो मीना मन में जो ख्वाहिश है इच्छा है ये काल पूर्ति होगी, अभी इतना धन दौलत है, पुनः क्या करे, दूसरा धन दौलत है वो भी हमारा पास आएगा, आज इतना तक लाभ किया
यही मनोभीष्ट प्राप्त करना ही होगा मेरे को, ये धन मेरा पास है और दोबारा पुनः ये धन हमारी हमारा ही हो हमारा ही होगा। अशोमया हतः शत्रुर्हनिष्ये च प्राणोऽपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलोवान सुखी। क्या बताया? इदम अद्दो मया लब्धम, इदम अद्दो क्या बोल रहे हैं भगवान? बोले इदम अद्दो मया लब्धम, इदम प्राप्से मनोरथम। आज यहां तक प्राप्ति है, काल हमारा मनोवांछा पूर्ति होने वाला है, काल भी मिलेगा ये सब बाकी समान काल मिलेंगे। इदम अन इदम अन्यद इदम इदम अद्दो मया लब्धम, इदम अद्दो इदम अद्दो मया लब्धम, इदम अद्दो मया लब्धम, इदम प्राप्से मनोरथम, इदम अस्ति इदम अस्ति इदम ओपि, इदम अस्ति इदम ओपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। चौदह नंबर श्लोक में कह रहे हैं कि अहो अहो मया हतः शत्रुर् हनिष्ये च प्राणोऽपि ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धोऽहम् बलवान् सुखी। अशो मया हतः, अशो मया हतः, ये शत्रु को आज मैं मार दिया, मेरा झंझट करने वाले कोई नहीं बचा। अशो मया हतो शत्रुर् हनिष्ये च प्राणोऽपि, दूसरा कोई अगर शत्रु है उसको भी हम मारेंगे आज नहीं तो काल। तो क्या लिखा हुआ है? अशोमया हतः शत्रुर् हनिष्ये च प्राणोऽपि, अशोमया हतः शत्रुर्, अशोमया हतः शत्रुर् हनिष्ये च प्राणोऽपि ईश्वरो अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी। क्या लिखा? अशोमया हतो शत्रु हनिष्ये च प्राणोऽपि ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी। क्या लिखा? अशोमया हतो शत्रुर् अशोमया हतः शत्रुर् हनिष्ये च प्राणोऽपि ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी। इस शत्रु को आज मैंने मार दिया, मेरा रास्ते से काट मेरा रास्ते का काट कांटे को हटा दिया एक एक करके, मैं ये शत्रु को बध कर दिया मार दिया आज। दूसरा जो शत्रु है उसको भी हम मारेंगे, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर मतलब कर्ता, कर्ता कर्ता अहम इति मन्नते, मैं कर्ता हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं कितुकितार्थ हूँ, कितुकार जो मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ, कौन है मेरा बराबर? अशोमया हतः शत्रुर् हनिष्ये च प्राणोऽपि ईश्वरो अहम् अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी। यही बात समझे? तेरह नंबर ये चौदह नंबर। इदम् अद्दो मया लब्धम्, इदम् प्राप्से मनोरथम्, इदम् अस्ति इदम् ओपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। अशोमया हतः शत्रुर् हनिष्ये च प्राणोऽपि ईश्वरो अहम् भोगी सिद्धो अहम् बलवान् सुखी। फिर आगे चलकर पंद्रह नंबर श्लोक में कह रहे हैं, आड्डो आड्डो अभिजनो, आड्डो अभिजनो बानस्मि, आड्डो अभिजनो बानस्मि, को अन्न अस्ति सदृशो मया,
आड्डो मतलब धनी, पैसा वाले, नंबरदार। आड्डो अभिजन, आड्डो अभिजनवान अस्मि, आड्डो अभिजनवान अस्मि, को अन्न अस्ति सदृशो मया जक्षे दशामि मोदिशो इति अज्ञान विमोहितः। अज्ञान के द्वारा विमोहित होकर मैं धनी हूँ, मैं कुलीन हूँ, ऊंचा खानदान में पैदा हुआ, मेरा समान कौन है, मैं यज्ञ करूं करेगा, मैं दान करूं, दान करें और फिर आनंद भी ले लें, ऐसा मापिक अज्ञान के द्वारा विमोहित है। अज्ञान के द्वारा विमोहित होके पड़ा हुआ है। आड्डो अभिजनवान अस्मि को अन्न अस्ति सदृशो मया जक्षे दशामि मोदिशे आड्डो आड्डो अभिजनवान अस्मि, आड्डो अभिजनवान अस्मि को अन्न अस्ति सदृशो मया जक्षे दशामि मदिशो मदिशे एक्चुअली इति अज्ञानो विमोहितः। प्रिंटिंग मिस्टेक भी रहता है। आड्डो अभिजनवान अस्मि को अन्न अस्ति सदृशो मया जक्षे दशामि मदिशे इति अज्ञानो विमोहितः। ऐसा करके मैं धनी हूँ, मैं कुलीन हूँ, ऊंचा खानदान में पैदा हुआ, मेरा समान कौन होते, कौन हते, कोई नहीं है, मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान करें, मैं आनंदित हो हैं, आनंद ले लेंगे, ऐसा वापी विचार जो है असुरों का विचार है। जैसे जरासंध, जरासंध यज्ञ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ, लेकिन भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। ऐसा मापिक मैं बड़ा हूँ, मैं राजन हूँ, ऐसा करके अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरके असुचौ। क्या लिखा? अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्ता काम भोगेशु पतन्ति नरके अशुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता माने विभिन्न तरह तरह का विचार, तरह तरह का विचार बनता है हृदय में, पागल का माफी, पागलपंथी, तरह तरह का विचार बना लेते हैं, विक्षिप्त चित्त का अनस्टेबल हृदय, चित्तों में कोई बेचैनी है हर वक्त, क्योंकि जिसका अंदर में आशा आकांक्षा है, जिसका अंदर में आशा आकांक्षा होते उसको तो बेचैनी आएगा ही आएगा। अनेको चित्तो विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्त्या काम भोगेशु पतन्ति नरके असुचौ। तरह तरह का विचार बना लेते हैं अंदर में, और विक्षिप्त चित्तो एक कामना वासना है, इसलिए बेचैनी तो भरपूर है हृदय में। मोहजाल आवृत, मोह का जाल के द्वारा घेरा हुआ है। मोहजाल आवृत विषय भोग में अत्यंत आसक्त, बड़ा विषय भोग में बड़ा आसक्ति है, विषय भोग में अत्यंत आसक्त ऐसा मापिक जो व्यक्ति है, व्यक्ति क्या करे, वैतरण्यादि असुचि नरके पतित है। क्या लिखा? अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्त्या काम भोगेशु पतन्ति नरके असुचौ।
ये जो बैतरण्यादि, बैतरणी एक नदी है, बैतरणी एक नदी है, ये इसमें खून खून पसीना बह रही है, इसमें खराब खून बह रही है। बैतरणी नाम का ये असुचि नरक इसमें पड़ता है। जोमराज का द्वार में जाने का पहले, जोमराज का दरवाजे में जाने के पहले इसे पड़ता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रशक्त्या काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। ये तरह तरह का कामना वासना बनाकर चलते चलते हैं और इतना आसक्ति है, इतना आसक्ति है कि मत पूछो। और काम भोग का जो वासना है इसको लेके अंतिम में क्या होता है, अंतिम में पतंती नरके असुचो, असुचि नरक में पतित हो जाते, असुचि नरक में पतित हो जाते। ये बैतरणी जो है जोमदार, जमराज का दुआ दरबार, जो जमराज का जो दरबार है उसमें जाने के लिए स्वामी व्यवस्था एक एक पाप पाप से भरपूर नदी है, एक पाप से भरपूर नदी है थे। ये बैतरणी दुर्गम दूषित है, खून बह रही है और तब तो इसका पानी जो है गर्म है, तब तो बारिपूर्ण महावेगा बहुत जोर से बह रही है। अरे अस्थि इसमें हड्डी और नाखून, इसमें बाल, ये सब इसका मतलब एकदम, ये प्रायश्चित तो विवेक बोल के एक किताब है, इसमें है बैतरणी का व्याख्या है। और जो असुर स्वभाव वाले होते हैं ये लोगों का अहंकार दम्भ ये तो रहता ही है। आत्मो संभाविता स्तब्धा धनमानो मदान्विता जजन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भेना अविधिपूर्वकम्। क्या है, आत्मो संभाविता स्तब्धा धनुमान मदान्विता जयन्ति नामो यज्ञस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मो संभाविता स्तब्धा धनुमानो मदान्विता जयन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भेना अविधिपूर्वकम्। स्वयं गर्वित अहंकार है, स्वयं गर्वित हो, अनम्र हो, विनम्र भाव बिल्कुल नहीं है, स्वयं गर्वित हो, गर्व भाव है अभिमान, अनम्र हो, विनम्र भाव नहीं है बिल्कुल। और धन और अभिमान के द्वारा मदान्वित हो, मद माने धन और अभिमान के द्वारा मदान्वित हो, ऐसा असुर जो है ये दम्भों के द्वारा, दम्भों से प्रेरित होकर यज्ञ आदि बाहरी दृष्टि में पुण्य कर्म कहते रहते हैं। असलियत तो ये पुण्य कर्म नहीं है। जब अभिमान है, जब अंतरात्मा मन विशुद्धि नहीं है, हृदय विशुद्ध नहीं है, तो इसमें मंगलजनक कर्म तो नहीं होते। और विशेष करके मंगलम विष्णु, मंगलम मधुसूदन, मंगल विष्णु, विष्णु को छोड़कर मंगल करके दिखा, किसका हिम्मत है, विष्णु छोड़कर मंगल तो है ही नहीं, कृष्ण छोड़कर। लेकिन ये ऐसा है अभिमानी, ये जब असुर भाव वाले, ये स्वयं गर्वितो अनम्रो कोई विनम्र भाव नहीं है और धन और अभिमान के द्वारा गर्वित है, धन और अभिमान के द्वारा मदान्वित हो, ये असुरगण दम्भों के मारे यज्ञ आदि दान दक्षिणा करते रहते हैं अविधि पूर्वक, जो शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, यज्ञ आदि करते रहते हैं।
अविधि पूर्वक यज्ञ करके रखते हैं, ऐसे ही करते हैं। आत्मो संभावितः स्तब्धा, क्या आत्मो संभावितः स्तब्धा धनुमान मदान्वितः जजन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भेन अविधि पूर्वकम्। शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है फिर भी कर रहा यज्ञ दिखाने के लिए, दिखावा। आत्मो आत्मो संभावितः मतलब अपने को पूज्य मानना, आई बात समझ में? आत्मो संभावितः इसका माने क्या है? आत्मो संभावितः, आत्मो संभावितः मतलब अपने को पूज्य मानना, हमको सबाई पूजा करे, सब कोई पूजा करे, अपने को पूज्य मानना, अपना अपने अपने को पूज्य मानना। विश्वनाथ चक्रवर्ती कह रहे हैं ये आप ये अपने को अपने आप को पूज्य मानना, और इसमें वास्तव साधु लोग जो है इसमें एक विशेष बात है जो साधारण लोग जो जानते नहीं है इसके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि उसका पीछे लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन साधु लोग जो है वो बच के रहना, रे बाबा हर वक्त बच के रहता है। विश्वनाथ चतुर्वेदी कहते हैं आत्मो संभावितः मतलब अपने आप को पूज्य मानना, दूसरे से अपने का पूजा कराना, और इसी में सारे व्यक्ति को निमंत्रित करके लाओ और दिखाओ मेरा पूजा हो रहा है। लेकिन एक बात पक्का समझ के रखना, वास्तव जो साधु है जिसका दर्शन में इतना सेंसिटिविटी है वो देखने से ही पता चलता है किस अवस्था में है, वो इसका आदर नहीं करने वाला। जैसे केशव गोस्वामी महाराज, चाहे दुनिया भर आदमी इसको आरती उतारे लेकिन केशव गोस्वामी महाराज उधर नहीं जाए, उल्टा फटकार के बोल क्यों गया तू, क्यों गया उधर, बोल क्यों गया उधर। तो ऐसा विचार करके दिखाया विश्वनाथ चतुर्थी बार, अपने आप को पूज्य मानना, दूसरे से अपने को पूजा कराना, और इस पूजा में सब आदमी को इनवाइट करके लाओ मेरा पूजा हो रहा है, इससे बढ़कर अमंगल का रास्ता क्या हो सकता है। कोई वास्तव साधु जो है जिसका सेंसिटिविटी इतना हाई है वो देखने से पता चलेगा। जैसे भोपाल जी ने बताया जो साधु साई कर रहे हैं और रुपया पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कामिनी कांचन, अपना बस अपना प्रतिष्ठा का लिए, बस अपना प्रतिष्ठा, ये प्रचार कुछ नहीं है, ये बेकार कुछ नहीं है, ये रुपया पैसा इकट्ठा अपना प्रतिष्ठा। पोपात कह रहे हैं भगवान कृपा करे मेरा पूरा जिंदगी में ऐसा मापिक आदमियों का मुख दर्शन ना हो जाए, मेरा बाकी जिंदगी ऐसा मापिक कोई आदमी हो जो पैसा कामिनी कांजे इकट्ठा कर रहा है वो अपना प्रतिष्ठा के लिए भगवान का सेवा के लिए जरूर भगवान का सेवा के लिए नहीं है, जरूर निश्चित रूप। पापा कह रहे हैं जिंदगी में बाकी जिंदगी जो है बचा खुचा है भगवान आशीर्वाद करे ये लोगों का मुख दर्शन मेरा ना हो जाए। लेकिन आदमी दौड़ रहा है इसका पीछे, क्या करे, उल्लू का पट्टा सब दौड़ रहा है। और स्तब्धा अनम्रो अर्थात अविनीतो, जिसका अंदर में कभी भी जिसका सर झुकता नहीं, कभी भी जिसका सर झुकता नहीं किसी का आगे। नाम यज्ञई मतलब ये कहने का यज्ञ है, वास्तव यज्ञ नहीं है। नाम यज्ञई मतलब नाम मात्रो, ये यज्ञ बोल के कहावत है, यज्ञ नहीं है वास्तविक, नाम का यज्ञ है। इसके द्वारा आत्तो आत्मो संभावितः स्तब्धा, क्या लिखा, आत्मो संभावितः स्तब्धा धनोमान मदान्वितः जजन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भेन अवधिपूर्वकम्।
और बाकी ये श्लोक का चर्चा हो नहीं पाएगा आज। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्कृतः ममात्मो परो देहेषु प्रदिश्वन्तो अब्बसूयका। बस इसका लिटरल मीनिंग, इसका लिटरल मीनिंग आखरिक अर्थ हम बता देते, बाकी व्याख्या अगले सप्ताह हो पाएगा। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्कृतः ममात्मो परो देहेषु प्रदिश्वन्तो अब्बसूयका। इसका माने क्या है? माने ये है, ये लोग अर्थात असुर वाले, असुर भाव वाले, असुर प्रकृति वाले जो आदमी हैं, ये लोग अहंकार बल, अपना बल भरोसा पर भरोसा रखने वाले, अपना बल पर भरोसा रखने वाले, बल हम बलवान हैं, ये लोग अहंकार बल दर्प काम क्रोध ये सबको आश्रय करके परमात्म परायण साधुगणों का शरीर में अवस्थित जो मैं हूं इसको विद्वेष करो तो असुर गणों का ऊपर साधु गणों का ऊपर दोषारोप करते रहते। आई बात समझ में? ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हर हर मठ मंदिर में देखो। अभी कितना सुंदर उदाहरण दिए भगवान, ये अहंकार पैसा वाले हूं मैं विदेश जाता हूं वो कौन होते हैं उसका क्या है? ऐसा अहंकार बल दर्पो काम और क्रोध ये सब आश्रय करके परमात्मो परायण जो साधु लोग है, ये साधु लोगों का शरीर में मैं विराजमान रहता है हर वक्त, हर वक्त मैं प्रकट। ऐसे तो हर कोई का हृदय में भगवान है ही है, लेकिन संत लोगों का हृदय में प्रकट विहार करते हैं भगवान विशेष रूप में, विशेष रूप में। और ऐसा मापिक साधु संतों का जो निर्मल चरित्र है इसमें दोषारोप करते रहते हैं। श्री सच्चिदानंद भक्तिमय टोल कहते हैं, ये अहंकार बल दर्प काम क्रोध का वशीभूत होकर शियो देहो अपना शरीर को भी क्लेश देते हैं। कहने काम क्रोध जिसका अंदर में वो खुद भी अप्रसन्न होना ही है, ये कैसे आनंद मिलेगा उसका? तो शियो दे भक्तिमय ठाकुर जी ने व्याख्या किया, वो अपने को क्लेश में डालते हैं और दूसरे का शरीर में जो परमात्मा स्वरूप हमारा साथ विद्वेष करता है। और साधुगणों का चरित्र में निर्मल चरित्र, साधुगणों का निर्मल चरित्र स्वभाव के ऊपर दोष डालते हैं, दोष आरोप करते हैं। अहंकारं बलं दर्पं कामो क्रोधं च संस्कृतः। क्या लिखा है? अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संस्कृतः ममात्मो परो देहेषु प्रदिश्वन्तो अब्बसूयका। याद है? तावद् भयं द्रविण देहो स्वहित निमित्तं शोको स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावत् मम इति अशदवग्रह आर्तिमूलं जावन्नति अंघ्रि मवयं प्रवृणीत लोकः। तावद् भयं, तब तक हृदय में एक अनजाने में एक डर पैदा होते रहते हैं हर किसी धनी व्यक्ति की, बलवान हर कोई का हृदय हर वक्त। क्यों? ये लोगों का भगवान का चरण को अपनाया नहीं, भगवान का चरण को अपनाया नहीं, इसीलिए अगले सप्ताह इसका व्याख्या हो पाएगा। तावद् भयं द्रविण देहो स्वहित निमित्तं शोको स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः तावद् मम इति अशद अवग्रहो आर्तिमूलं जावन्नति अंघ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। वाञ्छाकल्पतरुष्य कृपासिन्धुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।